हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू रेसिपी अड्डा बाय मेघा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ओरियो बिस्किट की बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी, जो कि 2 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। बनाने में बहुत इजी है, आप इसे बच्चों के लिए जरूर ट्राई कीजिए या फिर आप इसे इस दीपावली पे एज अ डेजर्ट भी बना सकते हैं, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ओरियो बिस्किट का पैकेट। तो मैं यहाँ पे 30 रुपए वाले ओरियो बिस्किट का पैकेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें लगभग 15 बिस्किट्स हैं। तो आप ओरियो बिस्किट की जगह पे कोई और बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जो बिस्किट्स हैं वो क्रीम वाले होने चाहिए। तो पैकेट को खोल लेंगे और सारे बिस्किट्स को निकाल लेंगे। इसके बाद अब हम ये जो सारे बिस्किट्स हैं इनको एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून चीनी, शुगर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल। तो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है उसका यूज़ कर रही हूँ, पर आप इसकी प्लेस पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अंडा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एग योक और एग वाइट दोनों का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप अंडे को स्किप भी कर सकते हैं। 1/8 कप दूध ऐड करेंगे और अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है और जो बिस्किट के पीसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बना के आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेस्ट है ये ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो आप बच्चों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है, कोई भी इसे ईजीली बना सकता है। इसके बाद अब हम अपम पैन लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए प्री हीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिड है इसके अंदर छेद है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा आटा लेके इस छेद को बंद कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो हीट है वो पूरे पैन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी और बेकिंग की प्रोसेस में जो लगने वाला टाइम है वो भी काफ़ी कम लगेगा, बेकिंग भी काफ़ी अच्छे से होगी। अब हम इस पैन में हमने जो बैटर तैयार करके रखा था उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करें, बहुत ज़्यादा बैटर ऐड नहीं करें, क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसे ढक कर पकाएंगे तो ये जो बैटर है ये बेक होगा और फूल के ऊपर आएगा। तो अगर आपने ज़्यादा बैटर ऐड कर दिया तो ये फूल जाएगा और पूरे पैन में फैल जाएगा। तो ध्यान रखें कि आपको इनको पूरा नहीं भरना है, ढक कर 15 से 20 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे अपम हैं वो फूल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक चम्मच की हेल्प से इनको टर्न कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको इनको बहुत ज़्यादा देर तक ढककर नहीं पकाना है, सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही ये अच्छे से इस तरह से फूल जाएंगे। और जब इस तरह से फूल जाएं तो आप इनको एक एक करके सभी को पलट दें। और इनको पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने जो ऑयल ग्रीस किया था उसके कारण ये बहुत ही आसानी से पलट जाएंगे। तो सभी को हम इसी तरह से पलट देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको दोबारा से ढक कर कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमने जब पहले बैटर डाला था उसको बेक होने में जो टाइम लगा था अब उससे आधा टाइम लगेगा बेक होने में। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो सारे अपम हैं वो काफ़ी अच्छे से बेक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से पक चुके हैं और काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी स्पंजी भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं,
और काफी अच्छे जालीदार बने हैं। तो अब मैं इनको आपको ज्यादा देर नहीं दिखा सकती क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा गर्म लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको सभी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इनको आगे चॉकलेट में डिप करने वाली हूँ, तो वो प्रोसेस बिल्कुल ऑप्शनल है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं, ये बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और अगर एक बार आपने बनाकर इस तरीके से बच्चों को दे दिए तो यकीन मानिए वो आपसे बार बार बनवाएंगे, क्योंकि खाने में इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं कि हर कोई इसे खाना चाहेगा, हर किसी को ये बहुत पसंद आएंगे। और बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितने ज़्यादा ईजी हैं। इसके बाद अब हम डबल बॉयलर प्रोसेस से डार्क चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 125 ग्राम डार्क चॉकलेट का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसके प्लेस पे वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको चॉकलेट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लगे तो आप क्या करें कि उसमें बटर या फिर कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि जो चॉकलेट है वो डाइल्यूट हो जाएगी और उसकी जो क्रीमीनेस है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो बेक करने के लिए शीट आती है उसका यूज़ किया है, और जो हमने अपम बनाए थे उनको अब हम चॉकलेट में डिप करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो डार्क चॉकलेट है वो टेस्ट में कड़वी होती है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कड़वा टेस्ट पसंद नहीं है या फिर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं और डार्क चॉकलेट में डिप कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि डार्क चॉकलेट में मेल्ट करते टाइम चीनी ज़रूर ऐड कर लें। इसके बाद अब हम सभी अपम को चॉकलेट में कोट कर लेंगे और इनको 20 से 25 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी आज की बहुत ही ज़्यादा इजी और इंस्टेंट ओरियो की रेसिपी बनके तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ये बनके तैयार हुई है, काफ़ी अच्छा कलर इस पे आया है। तो अब मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ ताकि आप देख पाएँ कि ये अंदर से कैसे दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, है ना एकदम कमाल की रेसिपी, बनाने में बहुत ही ईजी और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, फिर चाहे मेहमानों को खिलाइए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।